नमस्कार, SBN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासमिन खान। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। बड़ी खबर है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर। सांसद धनंजय सिंह की बात करें तो वो यहां पर रंगदारी और अपहरण मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण और उनसे जबरन वसूली के मामले पर यहां पर उन्हें सजा सुनाई गई थी। अब ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर है कि धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी तक जो सजा है उस पर रोक जो लगानी थी वो नहीं लगाई गई है। यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह अभी चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते हैं, लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि जमानत मिलना यानी कि धनंजय सिंह को राहत मिलना है। और ऐसे में धनंजय सिंह को राहत मिलते ही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव धनंजय सिंह से मुलाकात करने के लिए जौनपुर पहुंचते हुए भी नजर आए। जैसे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जब जमानत मिली थी तो उनको लेकर भी यही कहा गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए वो अभी भी देखे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं। तो वहीं जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर भी यही कहा जा रहा है। अब बता दें आपको कि जो उनकी पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन चुनाव प्रचार जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ भी उनका रुख बढ़ सकता है। अब राहत मिली है, राहत के साथ अब और क्या कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है? क्या धनंजय सिंह को जो ये राहत मिली है एक बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SBN9 न्यूज। धन्यवाद।